लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? आज मेरे बाबा की बरसी है सागर। मैंने सुबह जल्दी उठ के खाना बना के और मंदिर जाके गरीबों में बांटा। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ सागर, बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। और तुम्हारी माँ, उनकी याद नहीं आती? माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। तब से लेकर मेरे लिए सब कुछ मेरे बाबा ही थे। पता है सागर, वो मुझे इतना प्यार करते थे। एक बार मैं स्कूल से रोते रोते घर पहुंची, टीचर ने मुझे डांटा था, तो पता है बाबा ने क्या किया? स्कूल गए और टीचर से लड़ पड़े और उनसे कहा कि आज के बाद मेरी बेटी से कुछ कहा तो देखना। मैं अपने बाबा की लाडली थी सागर, इसीलिए वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। हाँ, मुझे कभी भी उन्होंने अकेले और उदास भी नहीं होने दिया। कितना फर्क होता है ना पिता और माँ में। पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाता है। शायद पिता का साया आसमान के साये से बढ़कर है। मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया सागर। माँ का प्यार भी देने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी माँ तो नहीं बन सकती थी ना। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता सागर, एक पिता भी नहीं। मामा जी, ये लीजिए आपकी अमानत, 50 लाख रुपए। पूरे 50 लाख? पूरे है ना? तू गिनती करके आया ना? अरे मामा जी, वो लोग गिनती में हेरा फेरी थोड़ी ना करेंगे। अगर करेंगे तो उनकी बीवी की जान खतरे में आ जाएगी। अरे प्रशांत, ये पुरुषोत्तम चौधरी के गुनाहों की पहली किस्त है। अब तू देखता चल, बहुत जल्द वो पूरा परिवार सड़क पर आ जाए। अरे और तो और, दोनों भाई लड़ना शुरू हो गए। क्यों? एक कहता मैं जाऊंगा, दूसरा कहता मैं जाऊंगा। मैंने इन दोनों को विश्वास दिलाया कि काम मुझे करने दीजिए। और क्या आ गया? प्रशांत, ये तेरी सूझबूझ का नतीजा है। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, चौका चौका। अरे कजरी! क्या है? अरे कजरी, तूने कभी 50 लाख रुपए एक साथ देखे? नहीं ना? अरे ये देख। क्या 50 लाख? वो भी पूरे 50 लाख? ये हमारे हैं ना जी। अरे और किसके हैं? अब देखना कजरी, ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। अभी 50 लाख आए हैं, फिर 50 लाख, फिर 50 लाख, फिर 50 लाख, ये कभी रुकेगा नहीं। एक बात बताओ जी, इसमें इसका तो कोई हिस्सा नहीं है ना? कजरी, प्रशांत हमसे अलग थोड़ी ना। अरे जो हमारा है वो इसका है। एनीवे मामा जी, पैसे आ गए हैं, अब करना क्या है? ओहो प्रशांत, उसने अपना वचन निभाया है, अब हमें अपना वचन निभाना होगा। मतलब? अरे अब जानकी को जाकर ये खुशखबरी देनी है कि उसकी कीमत आ चुकी है। चलो चलिए। कजरी, हाँ? ये रुपए तुम संभाल कर रखो। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं इन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। तुम जाओ। ये पूरे रुपए अब मुझे ही संभालने पड़ेंगे। ये सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। आजकल के पिक्चर में कुछ मजा ही नहीं आता। जब तक आइटम सॉन्ग नहीं हो तब तक कुछ भी मजा नहीं आता। हाँ छोटे, आजकल की फिल्मों में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसको देख के मजा आए। हाँ, अब तो मजा आएगा उस्ताद। क्यों छोटे, ऐसा क्या सोचा जो अब मजा आएगा? देखो देखो, लैला मजनू का रोमांस देखो।
अरे छोड़ छोटे, कहाँ लैला मजनू की बातें करता है। लैला तो काली थी और ये तो गोरी है लेकिन छोरी तो है उस्ताद, अब कुछ करते हैं। अरे छोड़ छोटे, ये तो शक्ल से ही बेचारे भाई बहन लगते। भाई बहन चलो अभी पता कर लेते हैं भाई बहन है कि नहीं। चलो चल चलो, ऐसी अच्छी जगह है, पीसफुल है बस। अकेले या किसी के? एक्सक्यूज मी मैडम, आपको स्मचेस मिलेगी? सॉरी हम सिगरेट नहीं पीते। फिर क्या करते हैं? कौन है आप लोग, चली जाइए यहाँ से। अरे हम चले जाएंगे तो फिर ये किसे देख के शर्माएंगे। सागर मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सागर चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मुझसे मांग माचिस, मैं दूंगा। हम सब तो बहुत नाउमीद हो गए थे, लेकिन तुम्हारी वापसी ने इस पूरे परिवार को डूबने से बचा लिया। हाँ भाभी, इन रुपयों के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। दीदी अब आप वापस आ गई है ना, तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे और हम सब मिलकर एक साथ रहें। माँ, माँ चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलिए ना। जानकी तुम जानती हो, तुम्हारे आने की खुशी में ऋषि ने खुद तुम्हारा कमरा साफ किया। मेरे घर पर आने से आप लोग इतना खुश मत होइए। आपने अपना पहला वादा निभाया लेकिन दूसरा अभी बाकी है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो इस घर को छोड़ना होगा। क्या? बहू ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें हम सब से शिकायत हो सकती है लेकिन उस शिकायत की वजह से इस परिवार के हिस्से मत करो। लेकिन ये मेरी अपनी मजबूरी है बाबूजी। तुम्हारी मजबूरी हमें जीने नहीं देगी जानकी। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो बाबू, हम सब एक साथ रह सकते हैं। नहीं बाबूजी, नहीं, यहाँ यहाँ मेरी अपनी सांसें घुट जाएंगी। देखो बाबू, एक अरसे के बाद पूरे परिवार को एक साथ जीने का मौका मिला है और तुम अलग होने की बात कर रही हो। जानकी तुम्हें इस घर में लाने के लिए संजना ने 50 लाख रुपयों का इंतजाम किया है, उसे किस बात की सजा दे रही हो? मगर ये संजना है कौन, मैं तो इसे जानती भी नहीं। दीदी यही संजना है और इसी की वजह से आज आप घर पर वापस आ पाई हैं। कितनी अजीब बात है ना, इस घर में परायों को बड़े प्यार से रखा जाता है और अपनों को पागल बनाकर धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया जाता है। भाभी प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कीजिए प्लीज। कोई लौटा सकता है मुझे मेरे वो दर्द भरे दुख भरे साल? क्या सोच रहे हैं आप अनिरुद्ध, कहिए। जानकी मेरे लिए इससे बड़ा इम्तिहान तो कोई नहीं। एक तरफ तुम हो और तो दूसरी तरफ मेरा पूरा परिवार है। अनिरुद्ध ये तुम कैसी बात कर रहे हो, जानकी इस परिवार का एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे काट कर फेंक दिया गया। नहीं दीदी आप हमसे अलग नहीं हैं। आज तक इस घर में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब आपकी बातें ना हुई हो। आपका इस घर पर पूरा अधिकार है। नहीं चाहिए मुझे इस घर पर अधिकार, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इस परिवार में, इस घर में मेरे अपने लोगों पर, मेरे पति पर मेरा अधिकार है या नहीं है। जानकी इस घर से अलग होकर
तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा बेटे? प्लीज दीदी, अपना फैसला बदल दीजिए, वरना हमारा ये परिवार बिखर कर रह जाएगा। भाभी, अपनी ये शर्त, अपना ये फैसला वापस ले लीजिए और प्लीज इसी घर में रहिए। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं अकेले रह लूंगी, मगर इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। और उर्मिला, इस घर में मेरे साथ जो हुआ है ना, वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम जरा सावधान रहना। और अनिरुद्ध, आपका क्या फैसला है? मैं क्या कहूं? ठीक है, मैं आपका फैसला जान चुकी हूं, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं इस घर से जा रही हूं, अकेले जी लूंगी मैं, मगर यहां नहीं रहूंगी। रुक जाओ जानकी। मैं जानता हूं इस घर से तुम्हें सिर्फ दुखी मिला है, और इस वक्त यहां से जाने से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। अनिरुद्ध तुम्हारे साथ जाएगा। सागर, आई एम वेरी अपसेट। छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं सागर? कुछ भी हो सकता था, मारपीट हो सकती थी, झगड़ा हो सकता था। कुछ नहीं होने वाला था, हमारा लड़के थे, भाग गए। सागर, यहाँ से चलो ना प्लीज। क्यों, अच्छी जगह तो है? नहीं, मुझे जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, हॉरर फिल्म की याद आ रही है क्या? सागर प्लीज, मजाक मत करो, चलो ना यहाँ से। अरे कहाँ चलेंगे, अच्छी जगह है, बैठते हैं आराम से। नहीं, कहीं भी चलो प्लीज। अरे ठीक है, सोचने दो आइडिया। आपके इस घर की चौखट के पार जाते ही हम सबकी जिंदगी वीरान हो जाएगी। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। उर्मिला,
उर्मिला, मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ, किसी किसी और को नहीं। लेकिन दीदी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि माँ जी के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। उर्मिला, मैंने बहुत प्यार देखा है, बहुत प्यार पाया है, लेकिन अब इस प्यार का बोझ नहीं उठा पाऊंगी मैं। उर्मिला जानकी, घर छोड़ के जाने वाले को कभी घर नहीं मिलता बेटे। अच्छा हुआ माँ जी, जाते जाते मुझे आपने ये आशीर्वाद भी दे ही दिया। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटे। माँ जी, मैं सही और गलत की चर्चा नहीं करना चाहती। इस वक्त मैं सिर्फ अपने फैसले पर अटल रहना चाहती हूँ, बस। लेकिन दीदी, आपके इस फैसले से कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी कोई दुख उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सबके साथ रहने के बावजूद भी मुझे क्या मिला? अपना घर बसाने के बावजूद भी मैं अपनी गृहस्थी नहीं देख पाई। मेरे इस घर से चले जाने में ही सबकी भलाई है, बस। भाभी, मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन प्लीज प्लीज अभी घर छोड़ के मत जाइए। माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। संजना, किसी को दूसरे के हिस्से की मांगी हुई माफी नहीं मिलती है। मैंने भी बहुत माफी मांगी थी, मुझे किसी ने माफ नहीं किया। फिर तो तुम्हारा और मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है।